इतलीला प्रविष्टों विष्णु भाग अष्टोत्तर सत्मत भक्त प्रज्ञान के सब स्वामी महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत करने की जाते हैं। तत्पश्चात यहाँ विधानसभा के मंत्री और सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में बहुत कुछ अच्छी बातें बतलाई। अभी हमारे शास्त्रों में ये बतलाया गया, सर्वे सुखना भवन्ति, सभी सुखी हो। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि सर्वत्र दुखी ही है, जीवन मरण बुढ़ापा तरह तरह के शारीरिक रोग, मानसिक व्याधियां, शारीरिक व्याधियां, इसलिए सभी सुखी दुखी हैं। इसलिए आशीर्वाद करते हैं सर्वे सुखिना भवन्ति, और भी कहते हैं कर्मण्यारम्भानानां दुःखत्यै सुखाय च पश्येत् पात् विपद्यासं मिथुनचारिणाम्। कर्मण्यारम्भानानां, प्राणी मात्र, चाहे वो सामाजिक रूप में, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, यही चेष्टा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज सभी सुखी रहें। किंतु फिर भी कोई इसके लिए चेष्टाएं भी होती हैं, किंतु कोई सुखी नहीं। कोई बुढ़ापा तो रोक नहीं सकता, बीमारी रोक तो नहीं सकता, मृत्यु कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सभी लोग मिलकर के चेष्टा करने पर भी दुखी होता है। आखिर ऐसा क्यों? और एक बात है, आधुनिक विज्ञान ने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, यहां तक कि रसोई घर से लेकर, इतने आविष्कार किए हैं मनुष्यों को सुखी रखने के लिए जो आश्चर्यजनक है। कहां थोड़ी ही समय में विश्व के किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं, थोड़े से थोड़े से, और घर में बैठे ही कहां ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट हो रहा है, यूरोप में फुटबॉल हो रहा है, कौन कहां क्या कर रहा है, मोस्टर कोच अमेरिका में क्या कर रहे हैं, एक क्षण के अंदर में ये पता लग जाता है। इन आविष्कारों से पृथ्वी छोटी हो गई। तात्पर्य क्या है? सभी निकट हो गए, सभी देश, किंतु इस विज्ञान का भी साफ ये है, एक मकान के एक ही फ्लैट के अंदर में रहने वाले का हृदय बहुत दूर है। हम उन्हें नहीं जानते, उनको क्या कष्ट है, सुख है, ये भी नहीं जानते। सांसारिक भोगों की भूख बड़ी, किंतु आत्मा की भूख मर गई। कोई सुखी इसीलिए नहीं, इसलिए कहते हैं क्यों नहीं, जैसा उपाय होना चाहिए वैसा उपाय हम लोग नहीं करते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखर, ममई वन सोल जीवनों के जीव। हम अभी जो हैं ये शरीर, बस समझो जी मैं शरीर हूं, ये तो हाड़ मांस रक्त पैखाना पेशाब की एक थैली है, इसका तो कुछ नहीं।
मरने पर इसे जला देंगे, नहीं जलाने, जलाएंगे तो गंदा हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर में आत्मा और परमात्मा है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, बहुत दया करके दिया, करोड़ों जन्मों से जब से पृथ्वी की सृष्टि हुई है हम लोग जन्मते और मरते आ रहे हैं। कभी कीड़े गधे सूकर फूकर हुए, कभी इंद्र में स्वर्गलोक में इंद्र इत्यादि हुए, ब्रह्मा तक हुए। आज तो वो सुख ढूंढ रहे हैं किंतु आज तक सुखी नहीं है कोई। क्यों नहीं सुखी? वही सुखी होगा जो यथार्थ योग्य गुरु के बातों का अनुसरण है। गुरु कौन है, संत कौन है? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं साप्ते परे च निष्णातं ब्रह्मन्युपसमाश्रय। यदि संसार के दुखों से उब गए तो एक योग्य गुरु के पास होता है, उनसे हमारा कल्याण कैसे होगा? पूछो, गुरु का लक्षण क्या? गुरु का लक्षण है समस्त शास्त्रों में निपुण होंगे, शिष्यों के समस्त संदेहों को मिटा सकते हैं, भगवान की अनुभूति हो, कीर्तन में रुचि हो और संसारिक विषयों में विरक्ति हो। संसार से विरक्ति नहीं है वो गुरु गुरु नहीं है, भगवान की अनुभूति नहीं है वो दूसरों को क्या भगवान की अनुभूति दे सकता है। इसलिए इस शरीर में रहते हुए तुलम जतेत न पतेत अनुमित, सद्गुरु के निकट जाकर मरने के पहले इस जीवात्मा और परमात्मा को रियलाइज करो। आत्मा क्या है? इन आंखों से नहीं देखेगा, शरीर दिख रहा है, आत्मा नहीं दिखती, और उससे भी सूक्ष्म परमात्मा वो भी नहीं देखता, किंतु उनका रूप है। कुछ लोग यूं कहते हैं भगवान निराकार है, निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है इत्यादि, किंतु यह बालक बात सर्वथा भ्रामक है। जिस भगवान से जगत की सृष्टि हुई और उसी का रूप नहीं तो कैसे ये जगत में ये सब रूप हो सकते हैं? नहीं होते। कॉज एंड एक्शन थ्योरी, इसके द्वारा ये प्रमाणित होता है। आम का, आम की गुठली है उससे आम का पेड़ हो जाएगा। कितने पत्ते होंगे, कितने वर्ष जिएगा, कैसा फल होगा, मीठा खट्टा, सब गुठली बतला दी। जो कोई कुछ है ही नहीं है, भगवान निराकार है, बीज ही संसार का बीज भगवान है, वही निराकार है, निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं, उसमें बात्सल्य भाव नहीं, उसमें कृपा नहीं, तो ऐसे भगवान या ब्रह्म को मानने की क्या आवश्यकता है जो रूप धारण नहीं कर सकता। इसलिए सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान प्रजन्नंदन श्याम सुंदर, यही भगवत्ता की यत्ता है, सीता है। उनमें ये सारे गुण और सारी सब गुण के निकट दीक्षा इत्यादि ग्रहण कर भजन करते 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 चित्त प्रसन्न होगा। कहते हैं व्यास जी ने वेदों का विभाग किया, चार उसके सुंदर रूप से व्याख्या करने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की, वो भी कठिन होने पर उन्होंने महाभारत की रचना की, और इसका अतिरिक्त उसको समझने के लिए
पुराणों की रचना की, तो भी चित्त खिन्न था। नारद जी उनके आश्रम में आए, पूछा गुरु जी हमारा चित्त खिन्न क्यों, प्रसन्न नहीं। उन्हें बतलाया तुमने इन सारे ग्रंथों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जैसी व्याख्या की, ऐसे भगवान की लीलाओं की कथा तुमने वर्णन नहीं किया। क्या जो सोदा मैया ने उस पर ब्रह्म को ओ भाग्यम नंद को शाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, ऐसे पूर्ण ब्रह्म को अपने प्रेम से बांध दिया, लिखा गोपियों के चरणों में वे सर्वेश्वर गिर कर करके प्रार्थना करते हैं जैसा दोष नहीं करूंगा, लिखा नहीं। न पारे हम निर्वत्य नहीं, इसलिए ऐसा करो भक्ति योग से समाधि में जाओ, भगवान की लीलाओं का दर्शन करके उसे। तो उन्होंने समाधि योग से अपश्यत पुरुषम पूर्ण माया ज्यादा पास किया, उन्होंने भक्ति योग में पूर्ण पुरुष कृष्ण को देखा, मैया यशोदा को देखा, नंद बाबा को देखा, सखाओं को देखा, गोपियों को देखा और सब लीलाओं को उन्होंने देखा और श्रीमद् भागवत की रचना। इसलिए समस्त प्रमाणों में निर्मल प्रमाण ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए कहते हैं आराध्यो भगवान प्रजेश तनयस्त धाम वृंदावन परम्या कातिपाशुना पद पद पर गेजा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अवलम प्रेमा उगत्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादो। क्या तात्पर्य? ब्रजेंद्रनंदन राधाकांत गोपीकांत कृष्ण ही हमारे परमार्थ है, वृंदावन भी वैसे ही आराध्य है। वृंदावन के अतिरिक्त कृष्ण का आविर्भाव नहीं होता, उनकी लीलाएं नहीं होती, कहीं और दूसरी जगह। और गोपियों की उपासना पर उन्नत उज्ज्वल पारकीय भाव से ये सर्वश्रेष्ठ उपासना जो गोपियों में थी। कृष्ण से गोपियों की शादी नहीं हुई, किंतु उनका प्रेम ऐसा है गोपीनाथ राधानाथ इत्यादि नाम उनके प्रेम है। इसलिए गोपियों का राधा ही सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण के प्रति प्रेम ही हमारा एकमात्र प्रयोजन है। प्रेम नहीं है, जरासंध में कंस में कृष्ण को देखा, कृष्ण को शत्रु रूप में देखा, इसलिए वो प्रेम कैसे मिलेगा उसका हमारे रूप को स्वामी ने बतलाया है। आदो शब्दा पतो साधु संग पतो भजन क्रिया नर्थ विद्या पूजा, पहले साधु संग हो उस परमार्थ की श्रद्धा होगी, तत्पश्चात भजन करते करते अनर्थ दूर होंगे, उसके पश्चात में निष्ठा आएगी, निष्ठा के बाद में रुचि आसक्ति भाव महा, इसके बाद में प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये सब अवस्था है। इसका समय पर हम वर्णन करेंगे, अभी समय हो गया है। और साधन बहुत तरह होने पर भी, 64 प्रकार के होने पर भी भक्ति के 9 प्रकार के साधन सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन सख्यम भाषण, इससे भी श्रेष्ठ 5 है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति की ये 6, और इससे भी 3 प्रधान है, भगवान के कथाओं का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण, और उन सब में श्रेष्ठ है हरि नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ऐव केवलम कलौ नास्त्यो 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 गतः, और उन नामों में भी कलयुग में उस सबसे श्रेष्ठ हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज से ही इस नाम को आरंभ कर देंगे और जीवन में देखेंगे आप लोग सुखी। आज यही कह करके अपना वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। जिन्होंने आयोजन किया है, उसने जो सहायता दी है, सबको विशेष विशेष धन्यवाद और मेरा स्नेहा बहुत प्रणाम। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। Oh, my God.